भिंड से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कांग्रेस के पूर्व विधायक की कार बेकाबू होकर खाई में गिरी है। पूर्व विधायक हेमंत कटारे बाल बाल बचे हैं। दिल्ली से लौटते समय यूपी में जयपुरा के पास यह हादसा हुआ। तो कांग्रेस के पूर्व विधायक की कार बेकाबू होकर खाई में गिरी, बाल बाल बचे हैं हेमंत कटारे। पूर्व विधायक हेमंत कटारे जिनकी गाड़ी बेकाबू होकर खाई में गिर गई, हेमंत कटारे बाल बाल बच गए हैं। दिल्ली से लौटते वक्त यह हादसा हुआ। तो दिल्ली से लौटते समय यूपी में जयपुरा के पास यह हादसा हुआ है। हालांकि अच्छी बात यह है कि बाल बाल बच गए हेमंत कटारे इस हादसे में, जयपुरा के पास का यह हादसा है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, ये पूर्व विधायक हेमंत कटारे की कार है जो बेकाबू होकर खाई में गिरी। हालांकि हेमंत कटारे इस पूरे हादसे में बाल बाल बच गए हैं। कांग्रेस के पूर्व विधायक हैं जिनकी गाड़ी इस तरह से बेकाबू होकर खाई में पलटी। दिलीप जुड़ गया हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ। दिलीप, ये हादसा कितने समय पहले का है और अभी क्या स्थिति है हेमंत कटारे की? देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा, जो मामला है जो उत्तर प्रदेश के जयपुरा जो मेट्रो हाईवे है उसके नजदीक का है। जो हेमंत कटारे जो अटेर के जो पूर्व विधायक है, जो कांग्रेस के पूर्व विधायक है, ये दिल्ली किसी काम से गए हुए थे, वापस लौट रहे थे, तभी बाहर जयपुरा के पास इसमें हादसा हुआ है। जो गाड़ी जो थी स्कॉर्पियो में सवार थे, इसकी गाड़ी अनियंत्रित होकर खाई में जा गिरी है, जिससे उनकी, हालांकि खास बात तो ये रही कि इसमें जो बाल बाल बच्चे हैं उनकी कोई मामूली चोटें आई हैं। और जो एक राहुल गांधी की सभा थी उसमें वो शामिल नहीं हो पाए थे इस घटना के बाद। घटना लगभग 3 से 4 बजे के बीच में बताई जा रही है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया दिलीप जानकारी के लिए। तो हेमंत कटारे फिलहाल, उनको हल्की फुल्की चोटें आई हैं जैसे कि हमारे संवाददाता बता रहे थे, अभी उनकी स्थिति सही है। और ये दोपहर का हादसा है जब यूपी से लौटते समय जयपुरा के पास, दिल्ली से लौटते समय यूपी के जयपुरा के पास उनकी कार खाई में गिर गई।